हाय फ्रेंड, टेस्टी फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा की रेसिपी, तो चलिए देख लेते हैं अपनी ये रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ये उड़द का दाल और इसी में हमने थोड़ा सा चावल मिलाकर भिगो कर रख दिया था 5-6 घंटों के लिए। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे कि बस ये हमारा ग्राइंड हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि उड़द का दाल है तो इसे पीसने में बहुत दिक्कत होती है। पानी हम इसमें कम से कम ही डालकर पीस लेंगे। देखिए, हमने इसे पीस लिया। अब ये बिल्कुल फाइन पेस्ट हमने तैयार किया। अब हम इसे निकाल लेते हैं बर्तन में। देखिए, हमने इसे बिल्कुल ऐसे पीसा है कि ये बिल्कुल गिर नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमें इसी तरीके का चाहिए। दालें हमारी पीस गई हैं। अब हमें इसे फेंटना है और हमें इतना फेंटना है कि इसके अंदर बिल्कुल एयर आ जाए इसके अंदर और ये दोगुनी हो जाएगी दाल। हम इसे 5 मिनट फेंटेंगे। हम इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटेंगे और इसे हाथों से ही फेंटेंगे। हाथों से बहुत अच्छी तरीके से फेंटेगा। देखिए, हमें फेंटते हुए इसे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छी तरीके से फेंट चुका है। आप देख रहे हैं ये बढ़ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और इसमें आधी चम्मच डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। और इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए करी पत्ता। नमक इसमें डाल देंगे टेस्ट अनुसार। नमक और अदरक बारीक कटे हुए। अब इसे वापस से मिला लेते हैं। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अपने हाथों में लगा देंगे हम थोड़ा सा पानी। अब अपना ये थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसे हाथों में इस तरीके से करके बीच में गोल करेंगे और फिर अंगूठे डाल के और डालेंगे हम कढ़ाई में तरीके से। देखिए, हमारे मेदू बड़े फ्राई हो रहे हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमारा मेदू बड़ा बनकर हो गया है तैयार। और ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो इसी तरीके से आप बनाकर ट्राई कीजिए। देखिए, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। आप देख सकते हैं इसकी जाली नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से आप बनाकर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।